बड़ी खबर इस वक्त की ग्वालियर से आ रही है। ग्वालियर में दो गुटों में हुआ गैंगवार। गैंगवार के दौरान चली गोलियां। थाटीपुर स्थित मेन बाजार मयूर मार्केट में हुआ गैंगवार। एक युवक के सिर में लगी गोली। गोली लगने से युवक हुआ घायल। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। बीच बाजार गोली चलने से पहली दहशत। राजू कुशवाहा के शक्ति तोमर से चल रहा था घायल का पुराना विवाद। दोनों ही पक्षों पर कई आपराधिक प्रकरण है दर्ज। पुलिस ने किया मामला दर्ज। आरोपी की तलाश शुरू। थाटीपुर थाना क्षेत्र का घटना। ये आज शाम की घटना है। मयूर मार्केट में दो ग्रुप आपस में लड़ाई झगड़ा उनमें किसी बात को लेकर हो गया था। पहले की रंजिश सामने आ रही है। दोनों ही पक्षों पे आपराधिक रिकॉर्ड है और दोनों तरफ से फायरिंग हुई है। सीसीटीवी फुटेज से कंफर्म हो गया है। एक तरफ से एक लड़के को 22-23 साल का लड़का है, उसको सर में गोली लगी है। अभी एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट है। ऑपरेशन उसका हो रहा है। गोली निकालने की प्रयास डॉक्टरों के द्वारा किए जा रहे हैं। ऑपरेशन थिएटर में लेने से पहले तक बातें कर रहा था। अब जो भी दोनों पक्षों की तरफ से जो भी इसमें जैसा भी पक्ष रखा जाएगा, जो FIR होगी उसके हिसाब से आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। घायल हुआ है, एक को गोली लगी है और जो 4-व्हीलर हैं उनमें भी काफ़ी नुकसान है। जो घायल हुआ है, जिसको सर में गोली लगी है, उसका ऑपरेशन चल रहा है। विवाद का अभी कोई बहुत कंक्रीट हमारे पास में क्लियरिटी नहीं आई है, लेकिन दोनों ही पक्ष आपस में पहले से रंजिश में हैं। कल कोई एक पक्ष के लड़के के साथ में कोई मारपीट हुई है, उसी को लेके आपस में आज ये दोनों आमने सामने फिर से हुए हैं और ये गोलीबारी की घटना है। स्टूडेंट नहीं, स्टूडेंट हैं लेकिन आपराधिक रिकॉर्ड इनके अच्छे खासे हैं। स्टूडेंट के नाम पर पहले भी कॉलेजों में इनके जो आपराधिक प्रवृत्ति जो गतिविधि हैं उनकी शिकायतें आती रही हैं।